साधु जी। अरे जोर से बोलो, साधु जी। ओ साधु जी, साधु जी। आज हमारा सौभाग्य है कि फिर से एक बार और तीसरी बार दो बार आ चुके हम राजस्थान, एक बार उदयपुर, एक बार सालासर जब छोटी लोसल गए थे। अब सीकर में तुम लोगों के प्राण खाने आ गए हैं। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता श्री स्वदेश शर्मा जी, संदीप शर्मा जी, इसपाल सिंह गुर्जर जी और शक्ति सिंह जी, ये चारों मूर्तियां जिन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत प्रयत्न किया, धक्के मुक्के खाए, बागेश्वर धाम गए, बोले गुरु जी चलो, हमने कही हमने छोड़ दो भाई, हमें छोड़ दो, नहीं माने, बोले चलो। अब लो हम तुम लोगों के बीच में तुम्हारे प्राण खाने आ गए। कहाँ गए चारों? इधर आओ, यशपाल, शक्ति, स्वदेश शर्मा, आइए 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 आइए। ये चारों मूर्ति हैं। जय श्री राम। इन चारों ने बहुत मेहनत की, यहां बैठ जाओ, कलाकारों के बगल में बैठ जाओ, बजाइयो भन्ना, आओ बैठो, बहुत अच्छा, बहुत आशीर्वाद। आज एक दिवसीय दिव्य दरबार के आयोजन में देश विदेश, पूरे राजस्थान के कोने कोने से कुछ लोग देखो तो आहा, एलईडी के ऊपर ना चढ़ जाइयो, और तो ठीक है एलईडी छोड़ देना, गरीबों की वस्तुएं हैं। रोडों पर खड़े हम जब सीकर में आए, चील गाड़ी से सीकर में उतरे, जब 20 किलोमीटर दूर सीकर से, और जब सीकर में प्रवेश भए, हमने सोचा ज्यादा लोग नहीं होंगे, थोड़ा मोड़ा होंगे, खड़े हो जाते हैं, खड़े खड़े कमर टूट गई, रास्ता भर फूल घले, मालाएं घली, कपड़ा घले, बड़ी मुश्किल से हम यहां पहुंच पाए 4 घंटा में। धन्य है राजस्थान का प्रेम, और धन्य है राजस्थान के खून का उबाल, और धन्य है राजस्थान के लोग, जहां के घोड़े भी चेतक जैसे वीर होते हैं, यहां के सनातनी खून का क्या उबाल कहना, यहां की वीरता का क्या कहना, वीरता का प्रतीक राजस्थान। धन्य है राजस्थान की मीरा के गीतों ने पूरी दुनिया को भक्ति में नचा दिया, और राजस्थान के वीर सपूत महाराणा प्रताप ने धर्म विरोधियों को नाकों चने चबा दिए। धन्य है ये राजस्थान की भूमि, और आप लोग धन्य हैं जो ऐसी वसुंधरा भूमि पर, ऐसी वीर प्रसूता भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ। राजस्थान के लोगों, तुम गर्व के साथ कहा करो कि हम राजस्थानी हैं। क्या कहना इस भूमि का, जहां के अश्व, जहां के हाथी भी वीर होते हैं, ऐसी वीरों की भूमि राजस्थान में एक दिवसीय दिव्य दरबार सीकर के इस स्थान पर लगा है। भगवान ने चाहा तो कभी 5 या 3 दिन की कथा सुनाएंगे, और हमारा तो एक ही सपना है, हम जगह जगह इसलिए जा रहे, जगह जगह तुम लोगों के बीच में इसलिए बैठे, इसलिए दिन ना रात एक किए हैं कि जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म पर कुठारा घात किया, उनकी अब ठटरी और गठरी दोनों बांधी जाएगी। हाँ, भारत राम का राष्ट्र है, और राम के राष्ट्र में राम की चर्चा होगी, भारत में रहना होगा तो सीता राम कहना होगा। बोलो जय सिया राम। और
हम तो इतना भी कह सकते, बुरा मत मानना मेरे पागलो, जिस दिन राजस्थान का युवा पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त हो जाएगा हिंदू राष्ट्र के लिए, फिर किसी प्रदेश की आवश्यकता नहीं है, राजस्थान के युवा ही भारत को हिंदू राष्ट्र बनवा दें। अभी कुछ कमियां हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ थोड़ी मोड़ी है, व्यसन मुक्त है, जो पौगा प्राण खाए। बोले करते क्या, बोले कुछ नहीं पिए हैं। और पीने वाले भी बड़े खतरनाक होते हैं। एक बार राजस्थान का एक छोरा जिसका नाम चंगीला, चंगीलाल पीकर घर गया, और घर पर गया चाबी लेकर ताला खोलने लगा, तो पिए तो खूब था, और भयंकर पिए था, तो हिल रहा था, हिल रहा था तो चाबी ताले में जा नहीं रही थी। बार बार कोशिश करे, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गए, 2 घंटा हो गए। बगल में एक पुलिस वाले सिपाही खड़े थे, बोले भाई साहब चंगीलाल आपसे दरवाजा ना खुल रहा हो, ताला ना खुल रहा हो, चाबी हमें दे दो, हम खोल देंगे। चंगीलाल राजस्थान का आदमी कमजोर थोड़ी था, अरे बोला हमसे ताला तो खुल रहा है, मकान हिल रहा है, तुम मकान पकड़ो, हम अभी खोल के बताते हैं। बताओ ऐसे लोग पाए जाते हैं। लेकिन हमें पता चला है राजस्थान सुधर रहा है, हमें पता चला है हिंदू जाग रहा है। बस एक ही प्रार्थना है, हम तो आपके पास एक दिन के लिए आए, जितने भी संत बैठे सामने, महात्मा बैठे हैं, इस तरफ भी महात्मा बैठे हैं, आप लोगों के चरणों में हम नाक रगड़ कर दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर भी पूज्य महाराज जी आचार्य श्रेष्ठ बैठे हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं सबको वंदन करके एक ही बात कहेंगे, देखो आप सब हमारी आत्मा हो, हम आपको अपना परिवार मानते हैं, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें कथा सुनाने नहीं आए, हम तो तुम्हारे अंदर केवल हनुमान जी को जगाने आए हैं। हनुमान जी जाग जाएंगे तो फिर तुम्हें दरबारों में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हनुमान जी जाग जाएंगे, तुम्हारे अंदर की भक्ति जाग जाएगी, तो तुम्हें फिर बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम होगा। और आप लोग तो वीर हो, वीरों की भूमि के, आप लोगों के शौर्य का तो क्या कहना। और मेरे पागलों एक बात याद रखना, अपने सनातन के साथ कभी समझौता मत करना, कभी समझौता मत करना, अपने धर्म के साथ कभी समझौता मत करना, जीते जी मर जाना पर सनातन के साथ समझौता मत करना, तुम भूल मत जाना। अच्छा, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम कौन कौन जानता है, क्या नाम था है? घोड़े का नाम चेतक था, हाथी का राम सेवक, राम प्रसाद, पक्का? हाँ, पिछली बार भी हमने ये चर्चा की थी राजस्थान में, आज फिर दोबारा कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं। हम आपसे कह रहे थे कभी भी, महाराज जी आपको पता नहीं राम प्रसाद एक हाथी था महाराणा प्रताप के पास, बड़ा धर्मात्मा हाथी, और हम दावे के साथ कह सकते हैं मेरे पागलो, इसके बाद जब जब संकट आएगा, जब जब विपत्ति आएगी, बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हें बचाने के लिए दौड़ी चली आएगी। पर तुम्हें मंगलवार को बागेश्वर धाम जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम जिस दिन जाओगे वो दिन मंगल का होगा। फिर तुम दरबार में जहां बैठ जाओगे वहीं से तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। इसलिए 100 की सीधी बात यह है कि तुम आज से ही अपनी जिंदगी में आज के दरबार में प्रण लेकर जाना, और प्रण सिर्फ इतना लेकर जाना कि बस एक ही साध है, सब सधे, सब साध है, सब जाएं, एक को साधना है, और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई, और देवता चित्त भी नहीं रखते,
लेकिन केवल हनुमान जी ऐसे हैं जो तुम्हें सब सुख प्रदान कर सकते हैं। अगर तुम्हारे पास संकट हैं तो हमारे हनुमान जी संकट मोचन हैं। दूसरी बात, मेरे पागलों, दरबार में बैठकर तुम अगर बालाजी के नहीं हो पाए तो तुम्हारा दरबार में बैठना व्यर्थ हो गया। फिर तुम अगर पूछो कि होगा क्या, हम बहुत ही गंभीरता के साथ कह सकते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़ गए तो कवन सुकाज जो नहीं हो है। अरे ऐसा कौन सा काम कठिन है, हम तो भैया आज 12 साल से बैठ रहे हैं उनके चरणों के प्रताप से, हम तो कुछ नहीं जानते, प्रार्थना करके भर जानते, हम तो नालायक हैं। हमारे जैसे नालायक की भी जब वो सुन लेते हैं और हमने अपनी आंखों के सामने लाखों लोगों की बिगड़ी बनते हुए देखी है, तुम्हारी भी बन जाएगी। जाओ तुम्हारी भी बालाजी सुनेंगे, जाओ तुम्हारी जिंदगी में भी बागेश्वर बालाजी की कृपा से जय जयकार हो जाएगी। जाओ तुम पर भी सन्यासी बाबा की कृपा हो जाएगी। तुम नियम पालन शुरू कर दो, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर दो, महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दो। बीज मंत्र है ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करना प्रारंभ कर दो। पर घर में बाधा है, संकट है, दबा असर नहीं कर रही, बीज मंत्र का जाप करो, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का प्रतिदिन मंत्र जाप करना प्रारंभ कर दो। जाओ बिना पर्चा बने ही तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। घर पर नारियल बांध देना, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देना, नियम का पालन करना प्रारंभ कर देना। चौथी बात, आप लोग एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो, पक्का जोर से बोलो, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहता है? तो 3 शर्तें हैं। 1, आज से हमारे चक्कर में मत पड़ना। 2, पेशी करना प्रारंभ कर देना बागेश्वर धाम की। 3, बीज मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। जाओ तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं, बागेश्वर बालाजी की है। कौन कौन जीवन भर के लिए जुड़ना चाहता है? पक्का पक्का, जोश में कि हौस में? पक्का, तो जाओ आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अब पर्चा के चक्कर में ना पड़ो, उठ जाओ, हो गई बात। अब जब काम ही हो गया, जब तुम सुधर ही गए तो जाओ। बहुत बदमाश हो, हम जानते तुम्हारी कलाएं, तुम्हें ऐसा भगवान चाहिए कि मुंह में नारियल डाले, हाथ में फोड़ के निकाल दे। और ये बात हम इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि देखो भाई, पर्चा तो बनाएंगे ही बनाएंगे, पक्का है, जिनकी सन्यासी बाबा प्रेरणा देंगे उनकी अर्जी लगाएंगे। लेकिन एक बात बोले, तुम्हारी एक समस्या हो तो पर्चा बनाए, तुम्हें एक बात बता दें तो मैं तुरंत दूसरा पूछना है। दूसरा तुमसे अगर बता भी दिया जाए, भाई चिंता मत करो 2024 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, जाओ तुम तो, अब चलो दूसरे का नंबर आने, गुरु जी किससे होगी, हम बता भी दें, भैया यार दिमाग मत खाओ, लड़की से होगी। गुरु जी नाम? नाम अच्छा नाम है, मुन्नी भाई, उससे होगी। अब जाओ, अब प्राण मत खाओ, गुरु जी गोरी होगी कि काली? फटरी के बारे अच्छी होगी, गोरी होगी, अब प्राण मत, अब जाओ। गुरु जी ये रहती कहाँ है? अरे भाई उससे क्या लेना देना, जयपुर में रहती,
जयपुर में, अब जाओ, अब दूसरे कर्ण, गुरु जी एक मिनट, जयपुर तो बहुत बड़ा है, बाप का नाम और बता दे, बाप का नाम, फिर शादी की डेट, फिर बच्चे, फिर दुकान, फिर व्यापार, फिर मकान, अरे पर्चा खत्म हो जाएंगे, प्रश्न खत्म नहीं होंगे। हाँ जी या ना जी, इसीलिए हम तुमसे कहते हैं, तुम अनेक प्रश्नों में हो, कोई दिक्कत नहीं, सभी प्रश्नों का उत्तर जिनसे हम पाते हैं, तुम भी उनके हो जाओ, तुम भी पाने लगोगे। और ये बात हम इसीलिए कहते हैं, हमारे पिंड छोड़ो ताकि, लेकिन एक बात बोले तो हमारे पिंड छोड़ सकत, हम तुम्हारे पिंड नहीं छोड़ेंगे। हम तुमसे मिले नहीं तो तुम नाराज होकर के बाहर के बाहर भाग जाओगे, तुम घर पे जाना, हम संस्कार टीवी पे आ जाएंगे। तुम टीवी देखना बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब में घुस आएंगे। तुम यूट्यूब बंद कर दोगे, फेसबुक चलाओगे, हमने एक नई चीज और सीख ली, रील, हम उसमें घुस जाएंगे। एक बात बताना भूल गए हम जल्दी जल्दी में, दरअसल पता है तुम्हें, हम अभी 2-3 दिन यहीं राजस्थान में हैं। हाँ, राजस्थान वालों के ही प्राण खाएंगे, कल जा रहे हैं हम वहां, कहा 12 कोटा के पास 12 जा रहे हैं, कल और परसों, कल 4 बजे वहां हम कथा सुनाएंगे, परसों वहां दरबार लगाएंगे। अच्छा, परसों 10 बजे से दरबार है दिन में। सो अभी हम राजस्थान में ही हैं, और आप लोगों से भी प्रार्थना है कि सब हिंदू एक हो जाओ। एक हमारे प्रिय भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल, खाटू श्याम का गाते हैं, उन्होंने एक शब्द सुनाया था, हमें बहुत अच्छा लगा था, हम तुम्हें भी सुना देते हैं। जब दिया ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, जब दिया ही दीपक ही नहीं रहेगा तो बाती का क्या करोगे, अरे राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो जाति का क्या करोगे। इसलिए हम सब हिंदू क्या हैं, एक हैं, हमारी यही दक्षिणा है। लोग पूछते ना, गुरुजी तुम दरबार लगाते दक्षिणा क्या लेते, हमें हिंदुओं की एकता ही दक्षिणा में चाहिए।